आप जानते हैं वजन बढ़ने से हमें कई सारी गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि। क्या आप जानते हैं वजन बढ़ने पर हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है? जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिसेज रूबी वारसी से, जो कि एक डाइटिशियन है, वेट लॉस कंसल्टेंट है, साथ में प्रोपराइटर है साइज जीरो क्लिनिक जो कि वसई मुंबई में है। रूबी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड रूबी जी, आजकल आप किसी से भी पूछ लीजिए तो एक कॉमन परेशानी जिससे हर कोई, हर उम्र का इंसान गुजर रहा है, वो है बढ़ता वजन और वेट कंट्रोल, वेट लॉस के अब जितने तरीके हमें पता चले हम वो सब जानना भी चाहते हैं। और आप क्लिनिक का नाम भी साइज जीरो क्लिनिक है। सो आज हम आपसे कुछ राज जानेंगे कि वजन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है, व्हाट आर द कॉसेस ऑफ वेट गेन, और क्या लोगों में वो जागरूकता, वो अवेयरनेस है कि इन इन चीजों से वजन बढ़ता है? लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन जिस मेन चीजों के वजह से वजन बढ़ता है, कभी कभी उन्हें उस चीज का रियलाइजेशन बहुत बाद में होता है, काफी टाइम बाद होता है, जब उनका ऑलमोस्ट 100 या 110 kg हो चुका होता है। देयर इज व्हेन जब हमारी याद आती है उन्हें, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि तभी क्लिनिक की याद आती है। उससे पहले तो वो और भी बहुत कुछ कर चुके होते हैं, लाइक जिम कर लिया होता है या सेल्फ डाइटिंग कर लिया होता है या कभी इसका सुना उसका सुना, ऐसी भी चीज़ें कर ली होती है। और जहाँ तक रीज़न का सवाल है, सबसे मेन रीज़न आज का लाइफस्टाइल है, टुडेज लाइफस्टाइल। बिकॉज जितने भी लोग हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका है दूसरा, फिर मेडिकल इशू हो जाता है। मेडिकल इशू में थायराइड, बीपी, कोई जानबूझ के तो कोई अपने ऊपर नहीं डालता, इट कम्स विद सम ऑफ द प्रॉब्लम विच दे आर हैविंग, यू नो, देन इट इज हेरिडिटी ऑल्सो। ओके, फूड पैटर्न है, स्लीप पैटर्न है। आज के टाइम जो हम इतना लाइफ फास्ट है, जो घर के खाने को छोड़ के ज़्यादातर हम जंक फूड पे ज़्यादा जाते हैं, वीकेंड्स हम ज़्यादा मनाते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और उसी वजह से नी पेन हो जाता है, बहुत मतलब मेजरली प्रॉब्लम्स इज देयर। एंड इन ऑल एज, इट्स नॉट ओनली वन एज, द एज ऑफ 10 ईयर चाइल्ड इज आल्सो हैविंग ओबेसिटी प्रॉब्लम, और एज ऑफ 80 आल्सो इज हैविंग ओबेसिटी प्रॉब्लम। ओके, कॉजेस तो बहुत सारे हैं। अच्छा मैम, कौन कौन सी थेरेपीज जो है या फिर कौन कौन सी नई सेशंस या टेक्निक्स हैं आजकल वेट लॉस के लिए, भी कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं? और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डाइट पे आपका क्या कहना है? अच्छा, सबसे पहले तो क्या है ना, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे हम मोबाइल बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो गई है ना कि आप कोई भी अभी फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर इंसान एक डाइटिशियन बन चुका है, एवरीवन। हमने तो पढ़ाई करके की थी कि हम डाइटिशियन बने, हम कॉलेज गए, हमने पढ़ाई की, लेकिन अभी जहाँ मैं देख रही हूँ, मैंने ऐसे वेट लॉस कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने देखा इस चीज में, हाँ इस चीज में आपके ऑफिस में ही ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे, आज से मैंने ये खाना शुरू कर दिया है, मैंने अभी कीटो करना शुरू कर दिया है, मैंने कार्ब करना शुरू कर,
मैंने कार्ब्स छोड़ दिए, फिर माँ बोलती है उसको कि बेटा बचपन से यही खिलाया था तुझे, तो तू आज क्यों छोड़ रही है। मतलब मेरे पास सब तरीके के लोग आते हैं, ओके। और ये मेजर जो अभी जो इतने जो बोलते हैं ना, बहुत ही ज्ञानी लोग जो हमारे जो मोबाइल पे ज्यादातर होते हैं, जो हर तरीके का ज्ञान आपको दे देते हैं, तो मतलब जिन्होंने पढ़ाई, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो सर्जरीज भी मोबाइल पे होने लग गए, बड़े बड़े सर्जरी। तो फिर डाइट तो बहुत छोटी सी बात है। तो मैं सिर्फ ऑडियंस को या जो भी लोग सुन रहे हैं आपके जरिए, जो भी सुनना चाहते हैं, हर चीज का एक सही तरीका होता है। इट इज नॉट दैट आई एम अ डाइटिशियन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट हर चीज का एक सही तरीका होता है। अगर आप सर्दी खांसी के डॉक्टर के पास अगर हार्ट इम्प्लांट के लिए जाएंगे, तो वो आपको उस चीज की बराबर जानकारी नहीं दे सकता, या तो पूरी जानकारी ही नहीं दे सकता है, सुनी सुनाई बातें ही बता सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू गो फॉर राइट थिंग टू राइट पीपल। When you come to a dietitian, dietitian आपका पूरा, एक तो आपके सामने होती है, हर बार आपको ये ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं होती है, फाइन। जब भी आपको जरूरत है आप जाके सामने बैठ के बात कर सकते हैं, और बात करने का मेरा मतलब सिर्फ खाने की बातें नहीं होती। When you sit with a dietitian, there are some personal blocks also which is there in the mind, जो हर बार हमें psychiatrist के पास जाने की जरूरत नहीं होती, got it? There are some personal blocks, या कभी कभी कुछ एक personal feelings भी उसमें attach होती है कि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, पहले मेरे husband को मैं अच्छी लगती थी, अब मुझे वो मोटी बुलाता है। मतलब ये जो चीजें होती है ना, ये भी हम सुनते हैं, इसके लिए भी हमें उनके साथ बैठना पड़ता है। अच्छा, जबकि हमारा काम नहीं है। बिल्कुल रूबी जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हर किसी का जो एक फोकस है वो वेट लिफ्टिंग, जिमिंग, प्रोटीन पर है, और डाइट कहीं ना कहीं साइड होती जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या डाइट से भी हम, मतलब डाइटिंग करें या फिर कम खाएं, वजन घट जाता है इससे हमारा? सी, वजन तो घटेगा अगर आप नहीं, मेरे पास ये भी लोग आते हैं बोलते मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ सुबह से, बट वो इंसान का केजी 150 केजी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो आप मर जाएंगे, राइट? सो यू आर ईटिंग समथिंग बट यू आर नॉट ईटिंग द राइट थिंग विच योर बॉडी रिक्वायर्स, व्हाट इज, यू आर ईटिंग ऑल टेस्टी थिंग्स which you like it to eat. And some people say के मतलब आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको चावल छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। As a dietitian, आप 80% dietitian आप देखेंगे, मैं भी ये बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है मैम, तो फैक्ट यही है कि कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे वो चपाती भी होगी, कभी कभी राइस भी होगा, कभी कभी पटेटो भी होगा, कभी कभी शुगर भी होगा, गॉट इट? लेकिन आप हर चीज छोड़ दो, ये नहीं हम लोग आपको बोलते, कोई भी डाइटिशियन आपको नहीं बोलेगी। एवरीथिंग इन अ मॉडरेट वे, ओके। आप चपाती भी खा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वेट लॉस के दौरान आपको काफी चीजों में कटौती करनी पड़ती है, ओके। हमने आपसे ये तो कह दिया कि भाई आप चपाती मत खाइए, राइट? लेकिन उसके जगह पे क्या खाइए, वहां हमारा काम आता है। बिल्कुल, ये बोलना बहुत इजी, डोंट ईट दिस, डोंट ईट दैट, डोंट ईट दैट, ओके ओके फाइन, बट व्हाट टू ईट, देयर इज व्हेन अ डाइटिशियन कम्स हु गाइड्स यू प्रॉपर्ली। एंड चलो आपने जी, ऑल्सो रूबी जी ये भी हमें बताइए कि डाइट में एक जेनरिक, अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करें, क्या क्या शामिल करें डाइट में? आप सी अभी अगर आप डाइट इज ऑल्सो वेरी वास्ट थिंग मैम। इफ अगर मैं अगर खाली नॉर्मल डाइट लूँ, तो आपकी थाली में बोलते हैं आपके सारी चीजें होनी चाहिए, खट्टा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर, ओके। अब मैं ऐसे भाषा में बोलूंगी तो सबको नहीं समझेगा, तो मैं बोलूंगी कि आपकी एक रोटी होनी चाहिए, आपकी भाजी होनी चाहिए, दो तरीके की सब्जी होनी चाहिए, एक तरीके की दाल, मतलब लेंटिल्स आपके होने चाहिए, फिर थोड़ा सा अचार भी होना चाहिए, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ की डंठल भी होनी चाहिए जो मीठी हो, राइट? तो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है मैम कि एवरीथिंग हियर इन योर थाली, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जब हमको अगर दो भाजी में से एक सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसी के पीछे जाते हैं, चलो थोड़ा और डाल दो, बट वो थोड़ा और शायद आपका 500 ग्राम अप कर दे, गॉट इट? तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी मायने में रखना है। कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हर तरीके के क्लाइंट हमारे पास आते हैं। तरीके के क्लाइंट का मतलब सिर्फ वेट नहीं होता है ना,
कास्ट भी उसमें बहुत मायने देता है। जैसे मेरे पास साउथ इंडियन आएंगे तो उनका बेसिक फूड ही, उनका स्टेपल फूड ही राइस है। तो अगर मैं अगर उसको बोल दूं कि आप एक महीने तक चावल मत खाओ तो वो बिचारी पागल हो जाएगी कि मुझे थोड़ा तो खाना है। फिर अगर मेरे पास कोई गुजराती आता है तो उनका स्टेपल फूड बेसन इज द बेस, गॉट इट? तो उनको हांडवा चाहिए, उनको ढोकला चाहिए, उनको ये नॉर्मल चीजें हैं उनके लिए जो वो खा के बड़े हुए हैं, राइट? फिर उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम आता है तो नॉनवेज उनका बेस फूड है। कोई क्रिश्चियन आता है तो उसका भी नॉनवेज बेस फूड है। इफ गो टू केरला, अनियन, कोकोनट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर फूड, इट्स अ मेजर, ऑयल इज कोकोनट, एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू डाइट वी हैव टू कट आउट ऑन दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट स्टॉप एवरीथिंग, बट सम थिंग्स यू हैव टू स्टॉप। देयर आर सम पीपल हु लाई, जो झूठ बोलते कभी कभी कि नहीं आप सब खा सकते हो और आप वेट भी लूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है मैम। मैं तो आज 11 साल से मेरा क्लिनिक चला रही हूँ और मैं सच ही बोलूंगी सबको कि जब आपका वेट लॉस का टारगेट है या 15 kg है या 10 kg है या जो भी आपके लाइफ में आपका टारगेट होता है, एक हाइट के हिसाब से हम उनको टारगेट देते हैं कि लाइक योर 5'2" इज योर हाइट, तो 55 शुड बी योर वेट, यू नो, एक नॉर्मल रेंज में। देन इवन एज ऑल्सो मैटर्स कि ओके 18 साल में तो 55 इज इनफ, बट वेन यूर 60 years ओल्ड इट्स लिटल मोर डिफिकल्ट बिकॉज बाय दैट टाइम यू हैव टू किड्स, ओके? तो ऑलरेडी आपका काफी कमर का घेरा वो कमरा हो चुका होता है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए यू हैव टू कट डाउन ऑन समथिंग। अच्छा, हमने वजन से संबंधित डाइट के बारे में आपसे जानकारी ली जी। तो आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, वेट जो है कौन कौन सी बीमारियों को जन्म देता है वो भी आप बताइए, सबको अवेयर करिए। सच तो ये है कि कभी कभी 100 kg का इंसान भी बहुत हेल्दी होता है। He does not have any problem. No thyroid, no BP, no sugar, no nothing. And a weight of 55 has major problems. तो एक तो डाइट इज अ पार्ट, आई अग्री, ओके? लेकिन एक उसका जो जीन्स है या उसकी हेरिडिटी है वो भी बहुत मायने रखती है। मैंने बहुत पतले लोग भी देखे हैं जिनको मेजर प्रॉब्लम है, उनको लिवर का प्रॉब्लम होगा, उनको नी का, पतले होने के बावजूद उनके नी में काफी प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है, बढ़ता हुआ वजन जो है, हाँ, इसकी तादाद कम है ये लोगों की जिनका मैंने बताया, लेकिन वेट के साथ और मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि इवन एज अ साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उनको काफी असर हो जाता है कि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, यू नो, नाउ नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट मी, नाउ आई कैनॉट इवन वॉक प्रॉपरली, आई कैनॉट इवन गेट अप प्रॉपरली। तो साइकोलॉजिकल भी उनको काफी प्रॉब्लम होता है और बाकी की तो सारी बीमारी आपको पता ही है, हार्ट हो सकता है उनको, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है उनको, डायबिटीज हो सकता है, मतलब दे आर मोर प्रोन टू ऑल दीज थिंग्स, ओके? PCOD हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, दे आर मोर प्रोन टू दोज थिंग्स। बट जहां तक आप हेल्दी होने का डेफिनेशन बता रहे हैं मैम, कभी कभी 100 kg पर्सन इज हेल्दियर देन अ 55 kg ऑल्सो, सो इट गोज, इट वेरीज लाइक दैट। बट यस, दिस इज डेफिनेटली श्योर कि अगर आपका खाने का पैटर्न और आपका लाइफस्टाइल पैटर्न अच्छा है और वेट आपका मेंटेन है प्रॉपरली, नॉट ओवरवेट आप नहीं हो, तो काफी बीमारियों को आप खुद ही अवॉइड कर सकते। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी आज हमें बात बताई। अच्छा मैम, आपके क्लिनिक में भी जो वेट लॉस प्रोग्राम के लिए लोग आते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा हमें आइडिया दें, हमारे दर्शकों को, किस किस्म की डाइट आप उन्हें फॉलो करने को बोलती हैं, और मैम क्या डाइट ब्लड ग्रुप के हिसाब से होती है? जी, अभी जो नया जो रिसर्च हो रहा है उसमें तो काफी चीजें आएंगे कि हाँ इसके हिसाब से भी हो सकता है उसके, बट जो पैटर्न हम लोग एज अ डाइटिशियन हम लोग फॉलो करते हैं वो हम हमेशा करते हैं कि आपके कार्ब्स थोड़े कम हो, ओके? बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी लव कार्ब्स, राइस एंड चपाती इज लाइक यू नो द स्टेपल फूड फॉर अस, तो उसको हम थोड़ा सा कम करवा देते हैं, थोड़ा सा फाइबर आपका इनटेक आपका ज्यादा हो जाता है आपका थोड़ा। रूबी जी, मुझे इसी से याद आया कि अधिकतर मैंने देखा है कि हमारे इंडिया में एटलीस्ट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि नाश्ते पे हर कोई चाय या टोस्ट लेता है या बस दूध पी के निकल जाता है, कोई तो मैं और भूख लगती है, आप कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस अगर सजेस्ट करें तो? सी, खारी एंड बिस्किट्स एंड ऑल वो तो मुझे नहीं लगता है इंडिया का स्टेपल फूड है। इंडिया का स्टेपल फूड तो पोहा और उपमा और पराठा, ये स्टेपल फूड है। स्किप कर देते हैं,
हाँ वही मैंने कहा ना, ये उनकी लाइफ स्टाइल है. इफ यू डोंट इम्प्रूव दोज लाइफ स्टाइल, लाइक योर दीज फोर मील्स और थ्री मील्स आई विल से इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटायर सिस्टम कि आप ब्रेकफास्ट वक्त पे करें. अभी ब्रेकफास्ट आप 12 बजे करेंगे तो आप लंच कितने बजे करेंगे? तो लाइफ स्टाइल सबसे वहीं से शुरू करना है कि आपको सुबह उठना जरूरी है. तो अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो ही आप 8, 8:30, 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट बराबर करेंगे, तभी जाके आप दोपहर को 3 बजे तक अपना लंच बराबर करेंगे. बट हमारे यहाँ पे अभी जो हमारा जो काम का जो लाइफ स्टाइल, अगर मैं खाली कॉल सेंटर्स के बच्चों को ही ले लूँ तो दे आर वर्किंग थ्रू आउट द नाइट. ओके, जो हमारे इंडियन हिसाब से अगर आप किसी नॉट डॉक्टर और सम आयुर्वेदिक एंड ऑल दोज पीपल, इफ यू गो टू दैट ट्रैक, दे विल गाइड यू कि सन डूबने के बाद तो कुछ खाना ही नहीं है. तो फिर ये बच्चे जाए कहाँ? गॉट इट? यू मस्ट बी हैविंग दोज टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो यू नो इन योर पैनल के हाँ भाई अभी आयुर्वेदिक का पूछेंगे तो ये बच्चे खाए क्या रात को, क्योंकि रात भर तो काम करते हैं वो. मेरे यहाँ पे जब आते हैं तो मुझे डाइट भी उस तरीके का बनाना पड़ता है उनको, बिकॉज देयर वर्किंग पैटर्न इज इन नाइट. आई कैन नॉट टेल देम दैट यू ईट बाय 8:30 और डिनर एंड शट इट ऑफ. आई कांट डू दैट. देयर वर्कलोड इज दैट, देयर लाइफस्टाइल इज दैट. So you have to according to their lifestyle, and because we are a dietitian and I'm sitting front of you, come to my clinic, I can guide you for that. Everything I cannot text and guide you. So following a proper dietitian is the key to lose weight very nicely. Okay. And Ruchi, आपके clinic में कौन सी therapies या फिर कौन से weight loss programs होते हैं, अगर आप एक brief में हमें बस quickly बताएं तो? जरूर जरूर. तो जैसे heating therapies है, फिर vibration therapies है, फिर हमारे काफी massages है जो हम certain area पे ही करते हैं. Okay, I'm not saying कि भाई certain area से आप fat को निकाल सकते हैं, but it is again a mindset of them, you know, कि अगर आप उनको help कर रहे हैं तो then show it also to them, you know. You have to give that time and service to that lady or the male, whoever is doing, कि भाई यार we are there for you, okay? आपके process में हम भी हैं. तो ये services काफी उनको help करते हैं. अगर आप आके हमारे card भी देखेंगे तो हर service के बाद, because the mind has started thinking that I want to do, I want to lose weight, and mind is a very big, you know, I think a very big game changer in weight loss. The time you think that I want to lose weight and I want to really look like a diva, nobody can stop you. Nobody can stop you. तब ना आपको भूख लगेगी, okay? ना आपको किसी चीज की craving होगी. दिमाग इतना solid game खेलता है. Because जब हम सोचने ही लगते हैं तो we are thinking it only from the brain. कि today I will go to a clinic and I will ask over there how to lose weight. That means the process has started, okay? Right. And then when we come into the picture, we are like a helping hand for them. There is no way looking back ke wo insaan wazan kam nahi karega, 101% karega. Definitely. And Rupi ji, कई सारी बातें आज हमारे इंटरव्यू में आपने हमें बताई, डाइट को लेकर, वजन को लेकर, कई सारी चीजें. सो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये थी रूबी जी, जिन्होंने हमें डाइट के बारे में बताया, कई सारे मिथ्स ब्रेक किए. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा. किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा. इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट. तब तक के लिए फिट रहिए, सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो.